पर जिक्र मेरा था मांगा गाइस, आज के वीडियो में मैं माइनक्राफ्ट नहीं पोकेमॉन का गाइस एक न्यू सीरीज चालू कर रहा हूँ, जिसके अंदर गाइस मैं आपको ऐश के टॉप 15 पोकेमॉन बताने वाला हूँ आज के इस गाइस वीडियो में 2017 तक। सो गाइस अगर इस पर आपको रिस्पॉन्स अच्छा आता है देन आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज। अब गाइस तो बात करते हैं ऐश का टॉप 15 पोकेमॉन, वो है गाइस बल्बासोर। अब गाइस बल्बासोर फोर्थ पोकेमॉन था ऐश का और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था, इसलिए गाइस मैंने उसको 15th पे रखा है। ओके गाइस अभी ऐश का 14th स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है गिल्स। अब गाइस गिल्स गिलगर से इवॉल्व होकर बहुत देर तक नहीं रहा, लेकिन एक उसने बैच जिताया था, सो या आई गेस दिस स्पॉट गोज़ टू हिम। अब गाइस अगला पोकेमॉन है किल्लर। गाइस किल्लर जैसे ही क्रैबी से विकसित हुआ एंड गाइस दिस वॉज द फर्स्ट वाटर टाइप पोकेमॉन टू बी इवॉल्व फ्रॉम ऐश। ओके गाइस तो अगला पोकेमॉन है स्टार एप्टर। अब गाइस स्टार एप्टर में थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कहाँ पर रखूँ, बिकॉज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ ऐश, आई थिंक मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ओके गाइस अगला पोकेमॉन है स्वेलो। अब गाइस स्वेलो मैंने स्टार एप्टर के ऊपर इसलिए रखा बिकॉज वो गाइस थर्ड सबसे ज्यादा मोस्ट दिखाने वाला पोकेमॉन है एनिमे में। ओके तो अभी अगला पोकेमॉन है गैली। अब गाइस गैली को मैंने इधर इसलिए लिया बिकॉज वो 1-on-1 फाइट्स में कभी नहीं हारा है वो वाले लीग में जिधर ये इंट्रोड्यूस हुआ था गाइस। अब अगला पोकेमॉन है हेराक्रॉस। हेराक्रॉस का गाइस जो ऊपर ट्रंक जैसा जो निकला होता है वो जब भी उसने वार किया है उससे ना कोई तो भाई उधर मरा ही मरा है। अगला गाइस पोकेमॉन है गुलड्रा। मैंने गुलड्रा को इधर इसलिए लिया बिकॉज वो जैसे ही गूमी से विकसित हुआ था वो गाइस प्रॉपर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन था, इसलिए गाइस मैंने उसको इधर लिया। अब अगला पोकेमॉन है रोकोडाइल। रोकोडाइल गाइस बाय फार द मोस्ट पावरफुल वन है एंड इट वॉज द फाइनल वन टू ज्वाइन ऐश टीम इन यूनोवा। यस 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 पिकाचू इज कमिंग इन दिस लिस्ट। गाइस मैंने पिकाचू को इसलिए लिया बिकॉज ऑफ ऐश बॉन्डिंग एंड 60% से गाइस ओवर जो रेट विन है वो पिकाचू ने ऐश को दिए अभी तक। तो अब गाइस जो अगला पोकेमॉन आ रहा है वो है सेप्टाइल। सेप्टाइल को गाइस मैंने इसलिए लिया क्योंकि इट्स अ लेजेंडरी पोकेमॉन एंड गाइस थोड़ा उनको ऐसे देना चाहिए ना कि हाँ लेजेंडरी पोकेमॉन है। जहाँ गाइस हम बात करते हैं लेजेंडरी पोकेमॉन की तो स्नोलैक्स आना है क्योंकि गाइस इसने अब तक कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन को बीट नहीं किया है, बट एनिमे में ये बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन रहा है गाइस। ओके जिनने भी एनिमे देखे उनको पता है कि चारिज़ार्ड आने ही आने वाला है बिकॉज ऐश एंड चारिज़ार्ड की गाइस जो स्टार्टिंग में जो रिलेशनशिप थी बिल्कुल ख़राब थी, लेकिन बाद में जोटो लीग में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। इन्फर्नेप इसको भाई कौन भूल सकता है, और इसको अगर मैंने सेकंड पे नहीं रखा तो भाई इसकी बेइज्जती हो जाएगी, सीरियसली में बेइज्जती। यस द मूवमेंट ऑफ ट्रुथ। ओके भाई सबको पता है ऐश का ग्रेनिंजा आना ही आना है भाई, इसको तो कोई भी नहीं रोक सकता। ऐश और गाइस इसकी जो बॉन्डिंग है ना अगर किसी ने समझ भी ली ना तो भी नहीं समझ सकता। और गाइस ग्रेनिंजा वॉज द फर्स्ट पोकेमॉन टू इवॉल्व इनटू अल्टीमेट फॉर्म फॉर ऐश विदाउट एनी स्टोन, सो इट वॉज अ शॉकिंग मोमेंट इन द एनिमे। दैट्स व्हाई गाइस इट इज़ ऑन नंबर 1 एंड इन दोनों की बॉन्डिंग भाई बेस्ट है, कोई भी नहीं तोड़ सकता इसको। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, और गाइस अगर आपको ऐसी और पोकेमॉन की वीडियोज चाहिए, आपको गेम प्ले वीडियोज चाहिए गाइस पोकेमॉन की, तो एक लाइक कर देना। लेट्स एम फॉर 10 लाइक्स इन दिस वीडियो। ऐश भी भाई देखो सामने होके बोल रहा है कर दो। सो गाइस लाइक करना, मैं आपको अगले वीडियो में टिल द टाइम।